By bus ka ho. Come on, Dad. Oh. हम खाना सर्व करेंगे सर. हाँ हाँ क्यों नहीं. ओह, ये तो मिस बेस्ट टैलेंट है. काफी दिनों बाद. हेलो सर, कैसे हैं आप? वाओ डैड, अगर आपने इसे बेस्ट टैलेंट बोल दिया है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो बात होगी ना. बिल्कुल नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है. तो पहले हम सूप सर्व करने वाले हैं सर. क्योंकि पहले ही फैसला हो चुका है तो अब इस पर कोई बात नहीं होगी. वन, तुम्हारा रिश्ता पहले ही तय हो चुका है. अगले साल तुम्हारी और यूरी की शादी होगी. लेकिन I'm so sorry. तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? मैं माफी चाहती हूँ. मैं पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो या नहीं. क्या? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ. हटो, मैं साफ कर देता हूँ. तुम्हें चोट लग जाएगी. नहीं सर, मैं कर लूंगी. कहा ना मैं करता हूँ. I am sorry, Miss Jawan. मैं साफ कर देती हूँ. सारंग तुम जा सकती हो. नहीं, मैं साफ नहीं. सारंग, I am sorry, sir. Cheers, uncle. Oh, yes. Ah, cheers. बहुत बढ़िया है. अच्छा. जब मैंने वन को उस एनिवर्सरी इवेंट में देखा था तो लगा ये वाकई में एक बहुत अच्छा शोमैन है. अब पता चला वो नाटक नहीं था. इसे सच में अपने स्टाफ की फिक्र है. इसकी यही तो खूबी है जिस पर मैं इतनी फिदा हूँ. ये दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही है. इसकी यही क्वालिटी इसे बाकी अमीर लड़कों से बिल्कुल अलग बनाती है. मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इसकी अदा पर फिदा हो. मैं बताना चाहता हूँ, शादी की तैयारियाँ मैं और हान मिलकर करेंगे. ये बात याद रखना. ठीक है पापा जी. वन, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मुझे
दरअसल किसी और से प्यार है। आखिर तुम्हारा ध्यान था कहाँ? आई एम सॉरी। ये बताओ तुम्हारी जैसी लड़की किंग द लैंड तक कैसे पहुंच गई? आई एम रियली सॉरी। अब मैं ही पूरी सर्विस करूंगी और सारंग असिस्ट करेगी। जो हुआ उसके बाद मैं इसे वहां नहीं जाने दे सकती, तो प्लेट्स मैं सर्व कर लूंगी, तुम ऊपर जाओ। किसी नए के लिए ऊपर वाला काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए आपने खुद ये काम किया था। मुझे ये बताओ जी, किंग द लैंड के लोग इतने लापरवाह कैसे हो गए? जब मैं वहां थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऊपर हॉल के आखिर में एक रूम है, अब और गलती मत करना। जी मैम। सोचा था वन अभी भी बच्चा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया है। उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। उससे प्यार करते हो? जी। अच्छा है, इंसान को प्यार का तजुर्बा होना चाहिए। देखो, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हें किससे प्यार है, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तुम्हारी और यूरी की। इसके सिवा कोई बात नहीं होगी। मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था आई एम रियली सॉरी, पर मैंने कभी भी यूरी को उस नजर से देखा ही नहीं है और ना ही कभी देखूंगा। वन, अंकल रहने दीजिए, लोग प्यार करते हैं और फिर ब्रेकअप भी तो होता है, आप टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अप्पा, जब तक मन नहीं भरता ब्रेकअप पैचअप खेल लो, तुम्हारी दुल्हन तो मैं ही बनूंगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जानता हूँ ये मेरी बेटी है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए तो मैं इसे बहू बनाना चाहता हूँ, बड़े दिल वाली। बड़ा दिल। आपको इस बात में जरा से भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं किससे प्यार करता हूँ? कुछ देर के लिए बुरा लगा मुझे, फिर मैंने सोचा कि मुझे लोगों की फिक्र होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी सच कहूं तो यूरी से शादी करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, आप सब एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय यूरी। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैंने तो सोचा था ये बाप के पीछे छिपने वाला बच्चा है, ये तो मर्द का बच्चा निकला। जितना उसे जानेंगे उतना ही उसे प्यार करने लगेंगे। पसंद करने लगा हूँ। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ मेरा ही है, मैं उसे किसी और के पास जाने ही नहीं दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। एक मिनट बात कर सकता हूँ? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं काम कर रही हूँ, मेरा फोन लॉकर में है। I'm sorry, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। बाद में बात करते हैं। तुम नाराज हो? नहीं, बस थोड़ी सी हैरानी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खाना सर्व करना है, बाद में बात करते हैं। वैसे तुम यहां क्यों काम कर रही हो? ये तो होटल नहीं है। सही कहा, मेरी जगह होटल में ही काम करने की थी। माफ कीजिए, मुझे अभी जाना होगा सर। इस तरह मत बोलो, काम खत्म होते ही मुझे कॉल करना, मैं वेट करूंगा। आप जाइए।
आपका खाना लेकर आई हूं। आपका खाना आ गया है। मैं खाना सर्व करने आई हूं। आपका मील लेकर आई हूं। क्या तुम बेवकूफ हो? देखा, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, तुम्हें तो देखकर ही हंसी आ रही है। तुम कौन हो? मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे यंग मास्टर बोलो। क्या यंग मास्टर, क्या बात कर रहे हो? माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करूंगी। माफी तुम जैसे लोग मांगते हैं, हम जैसे लोग माफी नहीं मांगते। कॉन्फिडेंस तो देखो, आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, तीन बोलने तक माफी मांग लो। किस लिए? क्यों मांगू माफी? एक, दो, तीन, अब बोलो क्या करोगी। माफी मांगो। क्यों मांगू? पता भी है मैं कौन हूँ। तुम चाहे कोई भी हो, तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चे को सबक सिखाना जरूरी है। मैंने बोला माफी मांगो। ओए बस करो, अगर फंस नहीं गया मैं माफ नहीं करूँगा। माफी देना मेरा काम है, तुम मुझसे माफी मांगो। I am sorry, बोलो ना। हिंदी में बोलो। I am sorry, अब मुझे छोड़ दो। हद है यार। अब तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करता हो, बहुत पछताओगी। तुमने गलत जगह पंगा ले लिया, क्योंकि मैं कभी नहीं पछताती। मिस छनसारंग जी, छनसारंग बोल रही हूँ। मास्टर जीहू को नीचे ले आओ, चेयरमैन मिलना चाहते हैं। क्या कहा, किसको लाऊं? मास्टर जीहू, मिस हुआरन के बेटे। जीहू चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं, हम लोग नीचे चलें क्या यंग मास्टर? बहुत टेस्टी है। ओ, मेरा प्यारा बेटा आ गया। काफी वक्त बाद मिले, आप ठीक तो है ना सर? ओ, तो आप है मिस्टर जीहू। वाओ, देखो तो सही, कितना बड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, तुम तो अपने अंकल जैसे बनते जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। बचपन से आज तक इसने कोई नखरा नहीं किया। खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा नाती मिला। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आपका नाती हूँ। ओ सुनो, तुमने अब तुम्हें बताओ इसकी तारीफ क्यों ना करूँ। क्या बात है। गुड वर्क एवरीवन, और ये आप लोगों का इनाम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तुम तो जानती ही हो, तुम बिल्कुल इस इनाम के लायक नहीं हो। आई एम रियली सॉरी। सब कुछ अच्छे से हो गया तो इसे माफ कर दीजिए, इसने ऊपर बहुत मेहनत की। अगर फिर से कभी ड्रीम टीम में शामिल होना है तो पहले खुद पर काम करो। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया।
ये तो मेरे पूरे महीने की सैलरी जितना है। तो तुम्हें प्यार हो गया? जी। सीधी बात करता हूं, भूल जाओ। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहे तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मैं किंग ग्रुप का भी बाप हूं। जितना हक मेरा तुम पर है, उतना किंग ग्रुप का भी है। हमारे लिए यह शादी किसी भी प्यार से कहीं बढ़कर है। तुम जिसे भी प्यार करते हो उसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे, और आखिर में वो तुम्हें छोड़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने प्यार की हमेशा हिफाजत करूंगा। मैं उसे दिल से ही नहीं, रूह से प्यार करता हूं। हर कोई ऐसा ही कहता है, शायद आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जल्दी समझ जाओगे। बस इतना ही कहना था। कितनी बार कॉल कर चुका हूं। खुद ही चले जाऊं क्या? ऊपर लाइट भी चल रही है। एक्सक्यूज मी सर, रुकिए। सर, आप यहां रहते हैं? नहीं सर। अच्छा, नहीं रहते? रिपोर्ट मिली थी एक आदमी इस इलाके में घूम रहा है जो चोर हो सकता है। चोर हो सकता है? नहीं, पर यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अपनी आईडी दिखाइए प्लीज सर। अच्छा, लगता है कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। मैंने उसे इतनी बार कॉल किया लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है, तो बस मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब पता चला इसे आवारा क्यों बोल रहे हैं। चलो इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। फिर बिना चेकिंग किए इसे आवारा कैसे बोला जा सकता है? पहले चेक करो। अब इसमें चेक क्या करना है? बोल तो रहा है इसकी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही, मतलब वो इसे इग्नोर कर रही है, और ये उसके घर के चक्कर काट रहा है, उसे तंग कर रहा है। आवारा लोगों का काम यही होता है ना। ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेरी मासूम शक्ल से लगता है कि मैं आवारा हूँ। काफी ज्यादा लग रहा है। लग रहा है ना? तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है। बिना सुने कैसे कह सकते हो कि आशिक है या आवारा? मैंने सही कहा ना सर? हाँ, आशिक हूँ, आवारा नहीं। तुम्हारी आंखें बता रही है। जानती थी तुम आशिक हो। डरता है गर्लफ्रेंड को कुछ हो ना गया हो, इसलिए यहाँ आया है। इतना घबरा गया है कि डोरबेल भी नहीं बजा पा रहा है ना? सही कहा। अरे यार प्लीज, क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें तो आसानी से समझ जाना चाहिए था। जरा देखो तो, देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वो अभी जाग रही होगी। पता है तुम्हें वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो इसलिए क्योंकि उसे उठाना ही नहीं है, और ये है कि कॉल पे कॉल किया जा रहा है, घर तक आ गया। ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन आवारा लोग ये बात कहाँ समझते हैं। तो इसीलिए जब मैं नाराज थी तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। अब वो बात यहाँ क्यों छेड़ रही हो? लड़ाई के बाद भी रो रही थी, तुम तो एक बार भी मेरे घर तक नहीं आए। देखो, मैं आना चाहता था लेकिन तुमने ही आने से मना किया था। तुम जानते थे मेरा वो मतलब नहीं था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तो
तुम हमेशा गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ती रहती हो? तुम्हारे दिल में कितना जहर भरा है? और मुझे ऐसा बनाया किसने है बोलो? मेरी गलती है, मैंने बनाया, मैं मुसीबत की जड़ हूँ। हाँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है। हाँ, मान तो रहा हूँ, सब मेरी गलती है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आप लोग, आप दोनों को हाथ दीजिए, हाथ पकड़ कर बात कीजिए, आप भी दीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद करो, मुझे नहीं करना, प्यार की बात करो, आप दोनों सुलह कर लीजिए, मियां बीवी के बीच झगड़ा होना आम बात है, आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं अब चलता हूँ, गुड बाय। चलो जाओ, जाओ, अब खड़े क्यों? मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, तुम जाके आराम कर लो, तुम्हें तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, बाद में खा लूंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? जाओ आराम करो। आप ड्यूटी फ्री सामान खरीद सकते हैं, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, ओके? ड्यूटी फ्री सेल्स, आप ड्यूटी फ्री सामान खरीद सकते हैं, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। क्या इतनी जल्दी आ गई? लाइट्स जल्दी ही ऑफ होने वाली हैं। अगर रूल्स के हिसाब से चलोगी तो सेल्स कैसे बढ़ेंगी? जब तक मैं नहीं कहती चक्कर लगाती रहो। मुझे नहीं लगता इन फ्लाइट सेल के लिए आराम कर रहे पैसेंजर्स को तंग करना ठीक होगा। तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम आज तक यहीं पर हो। प्योंगहा, जितना तुम्हें एक्सपीरियंस है मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चलो जाओ, जितना सेल हो सकता है करो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता ये सही है। ये बताओ, यहाँ पर इंचार्ज कौन है? पार्सर तो तुम ही हो। फिर भी मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रही हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हमें रूल के हिसाब से चलना चाहिए ताकि पैसेंजर्स को रेस्ट मिले और क्रू को सेफ्टी। मुझे पता नहीं था तुम्हें क्रू और पैसेंजर्स की इतनी परवाह है। क्या सिर्फ आप ही हैं सर? हाँ। आइए आपकी टेबल दिखाती हूँ। कॉफी लाई हूँ। कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? ओह, कल रात जल्दी सो गई तो पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो देर हो चुकी थी, तो मैंने कॉल बैक नहीं किया। क्या हम काम के बाद बात कर सकते हैं प्लीज? ओप्पा, तो तुम यहाँ हो, मेरा कॉल क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? अच्छा होगा तुम काम की जगह पर ना आओ। मैं यहाँ गेस्ट हूँ। वन कॉफी प्लीज। गर्म लेना पसंद करेंगी मैम? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बताओ क्या काम है? मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। बहुत से लड़के हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। जानता हूँ, इसीलिए तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूँ। तुम बहुत कूल हो, इसीलिए मुझे पसंद हो। देखो यूरी, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम भी किसी से प्यार करो। हाँ यार, मैंने तो बहुत सारों से प्यार किया है। सच्चे प्यार की बात कर रहा हूँ। तभी तुम समझ पाओगी जब मैंने कहा था कि मुझे किसी से प्यार है और उसका मतलब क्या है। तभी तो चाहती हूँ मेरा वो प्यार तुमसे हो। किसी और को ढूंढो जो तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुमसे सच्चा प्यार करे। समझ गई? एक बात याद रखना, मुझसे दूर चले जाओगे तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरी हेल्प से ही पूरा किंग ग्रुप तुम्हारा हो सकता है।
कॉफी का बिल मैं पे कर दूंगा, आराम से पियो। लीजिए सर, फ्री है। ऐसा क्यों? लगता है आपका झगड़ा हुआ है, तो ठंडी बियर पी के चिल करिए। कोई झगड़ा नहीं हुआ है, इसे वापस ले जाओ। उसने आपको छोड़ दिया क्या? ना मेरा झगड़ा हुआ है और ना उसने मुझे छोड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं सब लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं यार। मैं कितनी बार बोलूं, मेरा उससे झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही उसने मुझे छोड़ा है। इसे वापस ले जाओ। प्लीज सर, दिल से दे रहा हूं, हिम्मत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद से तो कह रही हूं कि मैं एकदम ठीक हूं, लेकिन मेरा दिल ये बात नहीं कह रहा। इसका मतलब हुआ कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं अच्छे से समझ सकता हूं तुम्हें टाइम क्यों चाहिए, लेकिन इस बारे में ज्यादा मत सोचो सारंग। कैसे ना सोचूं बताओ। मैं जानता हूं कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये मेरे बारे में है, तो इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। आई होप कि तुम ब्रेकअप के बारे में नहीं सोच रही होगी। रुको, मैं ब्रेकअप के बारे में क्यों सोचूंगी भला? क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? नहीं यार, मैं क्यों करूंगा? मैं ये बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो क्योंकि तुमने कहा ना कि तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मुझे लगा तो उस दिन के लिए तुम नाराज होगी, इसलिए। ओह, तुम्हारी शादी की बात? हैरानी तो जरूर हुई थी, लेकिन तुम्हारे डैड हमारे लिए नहीं मानेंगे, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। तुमने तो अभी तक दादी माँ से भी इजाजत नहीं ली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादी माँ के दिल में मैं हमेशा से नंबर वन पोजीशन पे हूँ। उम्मीदवार नंबर वन? हाँ, उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन उनके दिल में नंबर वन पोजीशन पे कौन है? मैं हूँ। किस बात पे इतना इतरा रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो? पता है मेरे लिए ये टाइटल बहुत बड़ी बात है। अच्छा। मुस्कुराई तो सही, तुम्हारी स्माइल को बहुत मिस किया। तुम तो कहा करते थे कि मुस्कुराना मत। अच्छा तुम टेंशन मत लो। हाँ, जानते हो ना तुम मेरे लिए क्या हो? मैं ये अच्छे से जानता हूँ, तभी तो फिक्र हो रही थी। मेरे डैड ने जो भी कहा उस बारे में ज्यादा सोचो मत। मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया है कि मुझे कोई और पसंद है। मुझे थोड़ा तो डर लगा था, लेकिन मैं उन बातों से नहीं घबराने वाली। मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि सोचने के लिए टाइम चाहिए तुम्हें? ड्रीम टीम का नाम सुना है तुमने? ड्रीम टीम ये क्या है? उस टीम में जाना हर किसी का सपना है। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन टीम ज्वाइन करने के बाद पता चला। अगर
कोई बहुत मेहनत करके इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए तो एक अमीर फैमिली की मेड बन सकता है। सच कहूं तो ड्रीम टीम में आना मेरा ख्वाब नहीं था। मुझे पता नहीं था मेरी फैमिली होटल स्टाफ को घर के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं समझ नहीं पाया कि तुम उस दिन आखिर मेरे घर पर क्या कर रही थी। मैं इस चीज को बदलूंगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। ड्रीम टीम को खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। बाकी सब लोगों को पसंद है क्योंकि पैसा अच्छा है। वो बता रही हूँ जो मुझे महसूस हुआ। अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं दूसरों को पैसा कमाने से क्यों रोकूं? ठीक है, आपने काफी इंतजार कर लिया। अब तो आपका बॉयफ्रेंड काफी खुश लग रहा है। पहले तो इन्होंने रोने वाली शक्ल बना रखी थी। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा होता कि मैं भी तुम्हें रोते हुए देख पाती। तुम भी क्या इनके साथ मिलकर मेरे मजे ले रही हो? तो क्या आप मरने वाले थे? तुम ना बनाओ ना जो बनाते हो। ठीक है, तो आप दोनों को मैं वो ट्रिक दिखाता हूँ जो मैं लास्ट में करता हूँ। वाओ, ये मेरा दिल है। मैं भी यही कहने वाली थी। अंदर रख लो, ये लो। पापा, आज डिनर में क्या खाएंगे? पापा आज थोड़ा बिजी हैं। अपनी मॉम के साथ फ्राइड चिकन खा लेना। तुमने ही तो बोला था आज बाहर घूमने जाएंगे। नहीं जा सकता, मीटिंग है। लेकिन आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। आप फिर से भूल गए ना? मुझे पता है भूल गए हैं। नहीं भूला हूँ। हाँ, एक्चुअली आज बॉस ने पूरी टीम के साथ मीटिंग रखने का फैसला किया है। वो भी आज ही? उन्हें बताया नहीं आज के दिन क्या है? हाँ, मैंने उन्हें बताया तो था, लेकिन उन्हें हमारी एनिवर्सरी से क्या लेना देना है। आप हर बार ऐसा ही करते हैं। आदमी कभी भी नहीं बदल सकते। बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है। तो ठीक है, इस वीकेंड हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और हाँ सुनो, आज कुछ स्नैक्स खरीद लेना। डैड शिकायत कर रहे थे कि कुछ खाने को नहीं है। तो जाओ तुम खुद ही ले आओ ना, तुम्हारे भी तो डैड हैं, खुद संभाल लो। रेडी। या देखा, नाइस बॉडी। हाँ सही कहा। क्या मुझे सिखाओगे? ये ऐसे नहीं करते। देखो तुम्हारी बॉडी बहुत टेंस है तो ये बॉल ठीक से नहीं जाएगी। लो राइट की तरफ पूरा घूमो और आराम से घुमाओ। बहुत बढ़िया, नाइस शॉट। तुमको सीख गई। क्या नाइस शॉट? बता ये शॉट कैसा लगा? मेरी बात सुनो हरी, रुको। मेरी बात सुनो, नाइस शॉट किसे कहते हैं? मेरे बाल छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे क्या कर रही हो तुम हनी? ओह मेरे पैर, ओह मेरी कमर। उठने के लिए किसने बोला? वो स्प्रिंग अनियन दिखा था। कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे यार रुको तो सही। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ। लाओ लाओ ये मुझे दो। ओए क्या कर रहा है, तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए।
चलो, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम्हारे बॉस को कॉल करूं? वो हमारी मीटिंग थी लेकिन। तो ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। अब दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से बवाल हो गया था। सच कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ तो मुझसे गलती नहीं हो सकती क्या? दिमाग खराब है, कब छोड़ी जॉब तुमने? बस थोड़ी देर पहले। और वो थोड़ी देर पहले कब था? शायद गर्मियों में, पिछले साल। एक साल हो गया? मतलब आज तक काम पर जाने का नाटक करते रहे? वाह। और ये गोल्फ खेलने के पैसे कहाँ से आए? अरे यार, प्रोविडेंट फंड था ना, काफी बड़ी रकम मिली थी। अगर वो पैसे नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोचो मुझे, साले कमीने हराम खोर, आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकी है? अच्छा सर, वैसे भी मिस वन के कहने पर पूरी कंपनी पूरा हफ्ता दिन रात काम करती है। आपको क्या लगता है, हम उन्हें हरा पाएंगे? क्योंकि मुकाबला तो बराबरी का ही चल रहा है। देखो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। जानता हूं, लेकिन ये जंग तो उन्होंने ही शुरू की है ना? भरोसा है मुझ पे? दिल से भरोसा है। गुड लक। ठीक है, तो शुरू करते। वो उन्हें दे दो। जी। लगता है पूरी तैयारी करके आई हो। बड़ी सीधी सी बात है, हम हर तरीके से कॉस्ट को कम करने के हक में हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्ट कम करना होगा, फिर रेगुलर एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट कम होगी, उसकी जगह टेम्प्रेरी लोग रखे जाएंगे। लेकिन बड़े इवेंट और पीक सीजन में यहाँ लोगों की कमी रहेगी। वो काम हम पार्ट टाइम वर्कर्स या ट्रेनीज से करवा सकते हैं। क्वालिटी या सर्विस में कमी नहीं आएगी? नहीं, उन्हें काम पे रखने से पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। वो खाना और बेवरेज सर्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम सेल्फ चेक इन वाली नई सर्विस सिस्टम लागू कर दें तो नए लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉई शटल बस को बंद करना, कैफेटेरिया में आइटम्स कम करना, एम्प्लॉई लाउंज में रखे जाने वाले पानी और स्नैक्स बंद करना, तुमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कंपनी के सर्वाइवल का सवाल है,
इससे कितनी बचत हो पाएगी? 1 बिलियन मंथली। इस तरह साल में अप्रॉक्स 10 बिलियन की बचत होगी। 10 बिलियन? हेड मैनेजर वन, बता सकते हो 10 बिलियन के लिए कितने कमरे रेंट पर चढ़ाने होंगे? अगर स्टैंडर्ड रूम है तो लगभग 34,000 रूम्स। बिल्कुल सही। तुम्हें अब भी लगता है कि कॉस्ट कम करना ठीक नहीं है? जी। लगता है हमारे हेड मैनेजर काफी कॉन्फिडेंट है। तो जो भी प्रपोजल देना, ध्यान रहे 10 बिलियन से ज्यादा का ही होना चाहिए। होटल बिजनेस सिर्फ रूम रेंट पर देने का नाम नहीं होता है, लोगों का स्टे यादगार होना जरूरी है। और हमारे गेस्ट्स को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपने स्टाफ को भी सपोर्ट। मुझे घिसी-पिटी बातें मत सुनाओ, पैसे की बात करो। पैसे की? तो फिर 100 बिलियन कैसा रहेगा? 10 बिलियन का भी 10 गुना है। मैंने पूरी दुनिया में तकरीबन 170 होटल्स को मैनेजमेंट काउंसलिंग के ऑफर दी है और 30 होटल्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम उन्हें किंग होटल का नाम और सर्विस दे पाएंगे और उनके प्रॉफिट्स में से हमें मिलेगी कंसल्टिंग फीस। मतलब एक साल में अप्रॉक्स 35 बिलियन वॉन हमारा प्रॉफिट होगा। एक मिनट, ये सब तुमने कब किया? इतना ही नहीं, दुबई में बन रहा एक 6-स्टार होटल भी किंग होटल की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है और मैंने एक बेल्जियन रिजॉर्ट ग्रुप के साथ फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट साइन कर लिया है जो होटल इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। किंग होटल अब सिर्फ कोरिया में ही नहीं रहेगा, दुनिया में अब जहां भी जाएंगे वहां पर आप किंग होटल को जरूर पाएंगे। ये कभी नहीं हो पाता अगर इस बार हमें दुनिया का बेस्ट होटल का अवार्ड नहीं मिलता। मतलब ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, पिछले 100 सालों में काम करने वालों की मेहनत है जिनमें आप सब भी शामिल हैं। और फिर एक कंपनी एम्प्लॉयज बनाती है और एम्प्लॉयज कंपनी को बनाते हैं। आपने टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज की बात की थी, उनकी जरूरत ना होने पर निकालना बहुत आसान हो सकता है लेकिन वो चाहे तो खुद भी निकल सकते हैं। इसका मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करना जो होटल के वफादार नहीं है, ये सब बंद करना होगा। जितना मुझे दिख रहा है इससे तो 100 बिलियन से भी ज्यादा का मुनाफा होगा। तुम्हें क्या लगता है मिस वॉरेन? ये तय है कि सेल्स चाहे कितने भी बढ़ जाएं पर दुनिया भर की कंपनीज कॉस्ट कम करने पर बहुत तेजी से काम कर रही हैं। हाँ, तुम गलत नहीं कह रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो। हर बार जब मैं बाहर जाता था तो सोचता था इस देश में हमारा होटल क्यों नहीं है, हम एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी क्यों नहीं बन पा रहे। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास काबिलियत नहीं है ना हेड मैनेजर वन, वजह क्या है? शायद इसकी वजह है हमारा खुद का यूनिक ब्रांड इमेज ना होना। हम बस लग्जरी होटल के लिस्ट में एक नाम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ब्रांड इमेज रातों रात नहीं बनती, बल्कि ब्रांड इमेज धीरे धीरे वक्त के साथ बनती जाती है। खुशकिस्मती से हमारे पास सुनाने के लिए 100 साल का इतिहास है। बिजनेस वर्ल्ड में ये बातें हो रही हैं कि एनिवर्सरी इवेंट ने हमारे किंग होटल को एक ब्रांड इमेज दी है। हेड मैनेजर वन, अगले महीने से तुम होटल प्रेसिडेंट हो गए, तो आगे बढ़कर किंग होटल को दुनिया का बेस्ट होटल बनाओ। पापा प्लीज, जितना हो सके इसकी मदद करना, तुम कर सकते हो ना? जी, मैं जरूर करूंगा। मेरा सपना सच होने जा रहा है, तुमने इसे सच कर दिया। आप होटल को छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे हिसाब से एयरलाइंस और रिटेल पर फोकस करना ठीक रहेगा। हाँ, वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, दोनों के मुकाबले होटल का बिजनेस छोटा सा ही है, लेकिन फिर भी
मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। होटल को न छोड़ने के पीछे कोई खास वजह है क्या? क्योंकि वन को यह होटल पसंद है और मैं उसे यह लेने नहीं दूंगी। क्या ये डिवोर्स पेपर्स हैं? आप कब से मुझसे सवाल पूछने लगे? लेकिन ये वक्त डिवोर्स लेने का नहीं है, ये सही वक्त नहीं है, ये अभी तो नहीं होना चाहिए मैम। मिस्टर छोई, कब से जानते हैं आप मुझे? जब आप बहुत छोटी थी। तो क्या मैंने जिंदगी में कभी हार मानी है? नहीं मैम। जब पता है तो ऐसी घटिया सलाह क्यों दे रहे हो कि होटल छोड़ दूं? सिर्फ एक ही तरह से यह होटल वन का हो सकता है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो। और यह तो होने से रहा। मैं समझ गया, चले जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम सबने सुना, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो क्या है? मिस्टर वन मिस वारन को पीछे छोड़कर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सच में? ओह, लगता है मुझे उनके साथ अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए थी। चन सारंग, क्या हम बात कर सकते हैं? जी मैम। अच्छा तो फिर बताओ ना आगे क्या हुआ। तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम दिया जा रहा है, इसलिए कुछ वक्त के लिए किंग द लैंड से दूर रहना होगा। सिर्फ मुझे? हाँ, ये चेयरमैन का स्पेशल ऑर्डर है। चेयरमैन सर का? मुझे इसका अफसोस है, क्योंकि जी हो ने सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया है। जब तक वो कोरिया में है उसका ध्यान रखना। मेरी नजर में वो बहुत समझदार बच्चा है। वो पहली नजर में समझ गया कि तुम इस होटल की बेस्ट टैलेंट हो। मैं आपसे माफी चाहूंगी सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये काम किंग होटल की ड्यूटी का ही हिस्सा है? अगर मैं इसे पर्सनल फेवर कहूँ तो जीहू ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। नाना की हैसियत से मैं अपने नाती की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गई। एक बात और। हाँ कहो। मैं उसे अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट कर सकती हूँ? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जी हुई इकलौती औलाद है, लोनली फील करता है। ओके सर। मास्टर जी हो, यंग मास्टर, जीहू कहाँ है? ओ जीहू, कहाँ हो सकता है? क्या वो यहाँ पर है? किया था? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अब तैयार हो जाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या? तो तुमने मुझे यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए बुलाया? देखा, डर गई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बदला लेना ही है तो सामने से वार करो, ऐसे मास्क के पीछे छुप कर नहीं। बच्चे हो इसीलिए छोड़ रही हूँ, तुम जेंटलमैन टाइप के नहीं हो। मुझे बच्चा मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, सही कहा। तुम्हें ना मैं बच्चा नहीं, कुछ और ही कहूंगी। बेबी, तुम बेबी हो, बेबी, छोटे से बेबी। बेबी हो ना, छोटे से बेबी। मुझे बेबी मत बुलाओ, तो हो जाए फिर। हो जाए फिर।
अब मेरी बारी। ओह नो। मैं जीत गई तो तुम मुझे नूना कहकर बुलाओगे? चलो एक और राउंड खेलते हैं। 10-0 तो हो चुका, हमने कहा था ये आखिरी राउंड होगा। चलो ना एक और राउंड खेलते हैं। सच में खेलना चाहते हो? हाँ। मैंने बताया था ना कुछ भी कैसे मांगना चाहिए। नूना एक और राउंड खेलते हैं, प्लीज खेलो ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन ये फाइनल वाला आखिरी राउंड है। ये ऊपर नहीं देखते, पहले पैर को ऐसे करो सीधा सामने, फिर से फेंको, रेडी, 1, 2, 3। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? कभी कभी तुम अजीब सा क्यों बिहेव करते हो? जब बड़े सामने होते हैं तब तो उनके साथ बड़े तमीज से पेश आते हो, लेकिन छोटे लोगों को तंग करते हो, तुम्हें मजा आता है? हाँ थोड़ा बहुत। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, फ्रेंड तो सिर्फ लूजर्स के लिए होते हैं, मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी तुम जैसे बिगड़े हुए के साथ कौन खेलना चाहेगा। ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तुम यही मानकर चलना चाहते हो? ऐसा भी नहीं है। किसी को दोस्त बनाना है तो रिस्पेक्ट करना सीखो, अगर परेशान करोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, समझे? चलो अंदर चलते हैं। प्लीज थोड़ी देर और मस्ती करें। तुमने भी प्लीज कहा। ठीक है, तुमने प्लीज कहा है तो रुक जा। अरे वाह। चलो और मस्ती करते हैं। नाना जी। हेलो। लगता है तुमने खूब मजे किए। हाँ नाना जी, ये कल फिर से खेलने आएंगी। तुम ऊपर जाकर हैंड वॉश कर लो, तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके नूना। इसे इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ लगता है जैसे बड़ी बहन के साथ है। थैंक यू। यू आर वेलकम सर, मुझे भी उसके साथ मजा आया। तुम घर पर ही थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ दिनों के लिए यहीं पर काम करूंगी, चेयरमैन ने जीहू को संभालने की जिम्मेदारी दी है। तो जीहू की जिम्मेदारी तुम्हें दी है? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ। रुको, उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, एक चेयरमैन की तरह हुक्म नहीं दिया, मुझसे ऐसे बात की जैसे कोई बुजुर्ग बच्चों से बात करते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। हाँ फिर भी उन्हें तुमसे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं हाँ कर चुकी हूँ तो मैं इसे अपने तरीके से एंजॉय कर रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगी, ठीक है? ठीक है। वाह, तो ये है हेड मैनेजर मिस्टर वन का रूम। वाह, पूरा घर देख सकती हूँ। इसे अपना ही घर समझो। और ये क्या तुमने हेड मैनेजर लगा रखा है? अभी हम काम पर नहीं है। चलो ठीक है मिस्टर वन। अच्छा हेड मैनेजर नहीं तो मिस्टर वन। मजाक कर रही हूँ। ओह ये तो जॉइंट कॉप है। ओह ये तो वही। पता है इसे बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, इससे यादें जुड़ी हैं, हमारी पहली डेट की। ये यहाँ क्यों है? ये ओ रुको, मुझे पहले से पसंद करते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना दो। नहीं दो ना, मुझे शर्म आ रही है। नहीं दूंगी। अरे दो ना, क्यों मुझे एम्बैरस कर रही हूँ।
छोड़ो। अरे फट जाएगी। मैं नहीं दूंगी। हम तुम्हें कमरे में बंद हैं। तो ये है वो बेड जिस पर किंग वन सोते हैं। नूना, क्या आप अंदर हैं? छुपाई खेल रही थी। चलो हम दोनों खेलते हैं, ठीक है? अरे अरे एक मिनट, आप प्लीज थोड़ा धीरे गिनना। 8 7 6 5 4 3 2 1 मैं आ रही हूँ। यार जीवू को सिखाना पड़ेगा कि रूम में नॉक करके आना चाहिए। तुम थक गई होगी ना? लोग कहते हैं बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, वो सही कहते हैं। सुनो, क्या तुमने जीहू के साथ कभी वक्त बिताया? जब जीहू छोटा था उस वक्त मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था, फिर जब मैं वापस आया तो वो बाहर चला गया, इसलिए मौका ही नहीं मिला। क्यों? अभी बच्चा है लेकिन बहुत अकेला लगता है। ऐसा है क्या? हाँ, लगता है उसके आसपास और कोई भी नहीं है। वो खामोश और मैच्योर है तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। बच्चों को इतना मैच्योर भी नहीं होना चाहिए, बड़ों को मैच्योर होना चाहिए। अफसोस के बहुत कम होते हैं। जीहू, अपने कमरे में जाओ। उठो जीहू। हेलो अंकल, आप आ गए? चलो अपने कमरे में जाओ। अभी तक मॉम नहीं आई है, शायद उन्हें आने में देर हो जाएगी। तुम जाकर सो जाओ, उन्हें कल मिल लेना, ठीक है? वो मुझे कल भी नहीं मिली थी और परसों भी, लेकिन मुझे मॉम से आज मिलना है। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तुम अभी तक यही हो? अमेरिका नहीं गए? मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ क्या? मैंने कहा था ना, मुझे और परेशान मत करो। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? I'm sorry, mom. चलो ऊपर जाओ। ओके। इसका मतलब तुमने छुपकर ये सारी तैयारी की? हाँ, मैंने बोला था ना, आप जैसे लोग होटल चलाना डिजर्व नहीं करते। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया? तुम बेवकूफ हो। आपके लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है, जीहू कुछ नहीं। आपको पता है वो बेचारा कितनी देर से आपका वेट कर रहा है? क्यों, बचपन याद आ रहा है क्या? रोज माँ का नाम लेकर रोते थे। सुनो जीहू, तुम्हारी तरह नहीं है और मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूं, तो आइंदा मुझे सलाह देने की हिम्मत मत करना।
पहली बार मैं तुम्हारे रूम में आया हूं। तुम बहुत टाइम बाद कोरिया आए हो, क्या बात है, कुछ करना चाहते हो क्या? मुझे कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारा कभी कुछ भी करने का मन हो तो अपने अंकल को बता देना, ओके? हम दोनों साथ में करेंगे। ऐसा क्यों? आप बहुत कूल हैं। पूरे दुनिया में सबसे कूल आप ही हैं। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। बस तुम एक चीज में मेरी तरह बिल्कुल मत बनना चाहिए। और वो क्या है? जब रोना हो तो रो लेना, और जब मुस्कुराना हो तो मुस्कुराना। जब गुस्सा आए तो गुस्सा दिखाना और शिकायत करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को मिस करो तो उसे खुल के बता देना, चाहे तुम्हारी मॉम हो या डैड हो। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, ईमानदार होना कमजोरी नहीं होती है बल्कि बहादुरी होती है। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर जिंदगी में बहादुर इंसान बनो, क्योंकि बहादुर इंसान ही सबसे कूल होते हैं, मुझसे भी ज्यादा कूल। तो क्या मैं कोरिया में थोड़े दिन और रह सकता हूँ? तुम रहना चाहते हो? हाँ अंकल, अभी तक मॉम के साथ खेलने ही नहीं मिला। चलो ठीक है, तो फिर इस मामले में मैं हेल्प करूंगा। सच्ची? थैंक यू। जी हो नूना। ये क्या है? टोर्नेडो पोटैटो। कभी खाया है? कभी नहीं। ओ नहीं खाया? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हें चाहिए? हाँ दोनों। ये लो। आप यहाँ काम की बात करने तो नहीं आए हैं ना? नहीं,
तो क्या मैं आपसे आम इंसान की तरह बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हैं। मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे ढूंढकर मुझसे मिलने आओ। आपने ही मेरे मॉम के पर्सनल रिकॉर्ड्स भिजवाए थे ना? मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। समझे कि तुम्हारी माँ को कैसा महसूस होता था? नहीं, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है। जानना चाहते हो कि वो कहाँ पर है? नहीं, रहने दीजिए। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। उनकी याद आती है इसलिए नहीं। मुझे सच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूख लगी है, कुछ खिलाओगी मुझे? I never knew about the love, मुझे इतने हमी चले खुद। दोन जंग जी के खुशबू आ रही है, बहुत यम्मी लग रहा है, टेस्ट कराओ ना। I never told you about the love, it's a more than मजा आ गया। अब देखो मैजिक। क्या बना है? दिल खुश हो गया। तुम्हें ट्राई करना है? खाने के लिए शुक्रिया। तुम जिंदगी के चावल और क्या ये ग्रोन? सुकून लग रहा है। मॉम से मिलने नहीं जाओगे तुम? मुझे बस जानना था वो मुझे क्यों छोड़ गई, और मैंने वो पता कर लिया। तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती थी, शायद इसीलिए गई। अगर किसी से प्यार करते हो तो फिर चाहे जो हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ते। वजह कुछ भी रही हो, उन्होंने छोड़ तो दिया ना, इसका मतलब वो मुझसे इतना प्यार नहीं करती थी। कोई ऐसी वजह भी तो हो सकती है जिसका तुम्हें ना पता हो, इसीलिए मैं चाहती थी तुम उनसे मिलो, नहीं तो शायद तुम उन्हें कभी नहीं समझ पाओगे। अब मैं मॉम के बारे में नहीं सोचना चाहता। तुमसे सच कहूं तो अब मैं उनके ख्यालों से आजाद हो गया। Thank you.
जिस बात से सुकून मिले वो करो। थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। बिजनेस टाइकून की सीक्रेट लव स्टोरी। तुमने सर को कैसे पटा लिया? हमें भी टिप दो ना। तुमने अपने मतलब के लिए बहुत ही कीमती चीज को नुकसान पहुंचाया। हम बोर्ड के मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि मिस्टर वन प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए। देख रहा हूँ वन को तुम में क्या दिखता है, मुझे उससे डर लगने लगा है। यहाँ पर सबसे खतरनाक मुजरिम आते हैं। छन सारंग कहाँ चली गई?